नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। ईद उल अजहा बकरीद के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को और पूर्णिया जिला वासियों को, खासकर विधानसभा वासियों को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बकरीद का त्यौहार कुर्बानियों का त्यौहार है, बलि का त्यौहार है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और पर्दे में मनाएं, क्योंकि आपके किसी हरकत से किसी धर्म वाले को ठेस नहीं पहुँचे और इसी का नाम है धर्म और एक दूसरे का ख्याल रखना है और शांति से इस त्यौहार को मनाना है। 22 अनुमंडल अंतर्गत समस्त नागरिकों को, यहाँ के पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि को मेरी तरफ से बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। सभी से अनुरोध रहेगा कि इस पर्व को सौहार्दपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। साथ ही यह अनुरोध रहेगा कि वो लोग जो कुर्बानी देते हैं उस समय एक सुरक्षा व्यवस्था रखें, किसी प्रकार की लापरवाही ना हो जिससे अप्रिय घटना घटित हो। धन्यवाद। 22 अनुमंडल वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुमंडल पुलिस की तरफ से मैं चाहूँगा कि इस त्यौहार को सभी शांतिपूर्वक मनाएं, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह है उसकी तरफ ध्यान ना दें, तुरंत ही उसके बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित करें। धन्यवाद। समस्त देशवासियों एवं प्रखंड वासियों से को मैं ईद उल अजहा का ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं और यही आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी ईद उल अजहा की त्यौहार को एक शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं। मैं मोहम्मद इम्तियाज आलम, प्रखंड प्रमुख 22। मैं मोहम्मद अयूब, चुपा पंचायत के मुखिया, संघ के अध्यक्ष और आज मैं ईद उल अजहा का मुबारकबाद देता हूं और अपना क्षेत्र का जो अवाम को ये मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक मेरा अपील है, गुजारिश है कि अपना त्यौहार बहुत शांतिपूर्वक से मनाएं और किसी तरह का कोई किस्म का मोबाइल में कोई जो है वायरल ना करें। मैं मोहम्मद शाहनवाज, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राजखपरा, प्रखंड 22। मैं अपने ग्राम पंचायत खपरा के समस्त जनता सहित समस्त भारतवासियों को मेरा सलाम आदाब। मैं तमाम लोगों को ईद उल अजहा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप धूमधाम के साथ अपना ईद उल अजहा त्यौहार मनाएं, साथ साथ लोगों के आस्था का भी ख्याल रखें, किसी तरह का भी कोई ऐसी प्रक्रिया ना करें जिससे किसी के भावना को ठेस पहुँचे। आदाब, नमस्कार। इस बकरीद के मौके पर पूरे देशवासियों को, खास करके मेरे चंद्रपुर पंचायत वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और सबसे मैं अपील करता हूँ जो अपना त्यौहार कुर्बानी पर्दे से मनाएं और अच्छे से मनाएं, क्योंकि ये खुशी का दिन है, खुशी का माहौल है, तो अच्छे से मनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं अजगर अली, मुखिया अजगर अली, हरिंदपुर पंचायत, प्रखंड 22। तमाम हरिंदपुर पंचायत प्रखंड 22 के आदमी को बकरी ईद की हार्दिक शुभकामना देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि हम सबों की दिन बहुत बढ़िया चले और आने वाला ईद फिर सबको साथ में मनाए। हमारे यहाँ गंगा जमुना की तहजीब है और ये चीज़ सबको, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको ध्यान में रख के चलना है। हमारे जो बकरी ईद में जो न्याज दिया जाता है, इस पर ध्यान रखना है कि किसी भी हमारे जात भाई को, गैरकौम भाई को, इससे हमारा कुछ नादानी से उसको दिल में तकलीफ ना हो और हम सबको एक साथ में रहना है, गंगा जमुना तहजीब कायम रखना है। इसी के साथ धन्यवाद। मेरे तरफ से तमाम 22 प्रखंड वासियों को और श्रीपुर मल्ला कौली वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सिद्दीकी, ग्राम पंचायत श्रीपुर मल्ला कौली,
प्रखंड बैसी जिला पूर्णिया बिहार। मेरे तरफ से तमाम बैसी प्रखंड वासियों को एवं श्रीपुर मल्लाटोली पंचायत वासियों को ईद उल अजहा का मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मालिक, सरपंच प्रतिनिधि श्रीपुर मल्लाटोली थाना बायसी जिला पूर्णिया बिहार। तरफ से ईद उल अजहा की पूरे बायसी वासियों को और पूरे देश को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शाहनवाज अहमद, PSC बायसी। मैं डॉक्टर सचिवाल बायसी पूर्णिया से तमाम क्षेत्र के सभी बायसी वासियों को पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार के रंग में भाईचारा का है, तो सभी लोग जो है आपसी सद्भाव के साथ प्रेम के साथ मनाए, ये मेरी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सचिवाल अस्सलाम वालेकुम आदाबर। हम क्षेत्र संख्या 34 जिला परिषद प्रतिनिधि मोहम्मद मुख्तार आलम बोल रहे हैं और बायसी प्रखंड के वासियों ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और जो है सब मिलजुल के ईद मनावें, किसी को ठेस न पहुंचे और अपना अच्छे से ईद मनावें और भाईचारा मिल के रहे। मैं अपने तरफ से सभी गांगर पंचायत के वासियों को कल बकरा ईद उल अजहा का मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हर साल की तरह इस साल भी बकरा ईद खुशी के साथ मनाएं और कुर्बानी देते समय रोड के किनारे ना दें, पर्दा करके दें और बादी सामान जो भी हो उसमें से निकलता है उसको मिट्टी के नीचे गाड़ दें। और सभी गांगर पंचायत के वासियों को अपने तरफ से एक गाइडलाइन पेश करता हूं कि अपने अपने बच्चों को हिदायत करें कि कुर्बानी देते समय मोबाइल से फोटो ना खींचें, मोबाइल में सोशल मीडिया में ना डालें और फेसबुक में भी ना डालें। मैं अब्दुल बारिक, सरपंच गांगर। मेरे तरफ से तमाम गांगर पंचायत वासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मोहम्मद शाहनवाज आलम, पूर्व मुखिया प्रत्याशी गांगर पंचायत। मेरे तरफ से तमाम गांगर पंचायत वासी को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं मोहम्मद शमशाद आलम, CSP उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक डंगरा। अस्सलाम वालेकुम आदाब। देशवासियों को बकरीद की ढेर सारी मुबारकबादियां और शुभकामनाएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सबको, देश के मुसलमानों को, ये खूबसूरत त्यौहार मनाने का मौका इनायत फरमाया। अल्लाह ताला हम तमाम की इस इबादत को कबूल फरमाए। और एक गुजारिश लास्ट में ये होगी कि आजकल युवा और नौजवान लड़के अक्सर कुर्बानी के वक्त वीडियो बनाते हैं, ऐसा वीडियो ना बनाएं और ऐसे वीडियो को वायरल ना होने दें और ना वायरल करें जिससे किसी खुराफात या फितने का अंदेशा हो। इसलिए मैं हर नौजवान से गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसा वीडियो वायरल ना करें जिससे दूसरे धर्म वालों को, दूसरे को तकलीफ पहुंच सके। मौलाना मोहम्मद असजद रजा, मुखिया प्रतिनिधि आज़ा मुहैया।